लाइट जलाइए, लाइट जलाइए मैन। जय माता दी, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। दोस्तों ये अल्टरनेटर बनाने जा रहा हूँ, जो ये है मैजिक एक्सप्रेस का है, अल्टरनेटर लगा है मैजिक एक्सप्रेस में, बट ये मैजिक में भी लगता है और टाटा आयरिस में भी लगता है दोस्तों। मतलब ये टाटा की दो गाड़ी में लगता है, मैजिक में भी आ जाता है और आयरिस में भी आ जाता है दोस्तों। इस अल्टरनेटर में ये है कि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जितना बैटरी का वोल्टेज है 12.56 या मतलब जितना भी वोल्टेज रहा है उससे थोड़ा भी 1% वोल्टेज बढ़ नहीं रहा, मतलब इन शॉर्ट बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग अल्टरनेटर खोले हैं और ये देखिए काफ़ी अल्टरनेटर के ऊपर ऑयल गिरा था, तो ये हमने मतलब हम लोग को लगा कि शायद कार्बन वर्बन भी ख़राब हो सकता है, तो मैंने क्या किया खोलना है इसे पूरा अल्टरनेटर को और खोल के चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है या शॉर्ट क्या है, मतलब क्या चीज़ ख़राब होने की वजह से चार्जिंग नहीं कर रहा है। दोस्तों आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आज चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हमने क्या किया, टॉप कवर, इसका कवर जो ढक्कन था प्लास्टिक का वो लॉक था उसमें तो निकाल दिया। उसके बाद कटआउट के अंदर ये जो दिख रहे हैं दो छोटा छोटा स्क्रू और ये दो 8 नंबर के स्क्रू, ये हमने खोल लिए, एक अर्थिंग वायर और ये इसमें जो कटआउट में लगा है, ठीक है दोस्तों। तो ये कटआउट का एक अर्थिंग वायर प्लेट में लगा रहता है और दूसरा एक जो 8 नंबर का ये आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट लगा रहता है बॉडी के अंदर फिटिंग, मतलब कटआउट इस पर रुका रहा था और एक इधर से 7 नंबर का जो ये छोटा सा स्क्रू दिख रहा है उसको हम लोग खोल लेंगे। इसको खोलेंगे तो हमारा देखिए दोस्तों कटआउट बाहर निकल जाएगा। अब दोस्तों इसमें प्लेट को चेक करने का एक तरीका मैं आज बताऊंगा, जैसे एक लोग वीडियो पर कमेंट भी किए थे अपने कि भैया सीरीज से ही चेक करना बेहतर होता है, बट उनके लिए मैं ये वीडियो ज़रूर बताऊंगा कि सीरीज से चेक करना या नहीं चेक करना सही है या नहीं सही है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझिएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कटआउट निकाल लिया है, ये कटआउट दोस्तों टाटा आयरिस में भी आता है और ये मैजिक में भी आता है और ये BS6 गाड़ी है दोस्तों, पुरानी वाली गाड़ी नहीं है, नया मॉडल गाड़ी है, ठीक है। तो हमने क्या किया दोस्तों, देखिए यहाँ पे कटआउट निकालने के बाद हमने सोल्डिंग लगा कर सोल्डिंग निकाल के ये तीनों जो इसका प्लेट में तार लगा था रेक्टिफायर प्लेट में ये तीनों वायर निकाल लिया स्टेटर कॉइल का, ठीक है, ताकि हम लोग स्टेटर कॉइल को अच्छे से चेक कर लें और जो ये डायोड प्लेट देख रहा है मतलब रेक्टिफायर प्लेट इसको भी हम लोग अच्छे से चेक कर लें। तो इसको थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे कर दिया हूँ दोस्तों ताकि फटाफट ये निकल जाए। देखिए इसके बाद ही मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि प्रॉब्लम इसमें कहाँ थी और क्या क्या है। देखिए कभी भी अगर आपको प्लेट चेक करना है चाहे स्टेटर कॉइल चेक करना है तो सबको अलग अलग कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों मैं सीरीज का लाइट लगा लिया हूँ, सीरीज से आप स्टेटर कॉइल और रोटर इस समय चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जितना भी 2010 के ऊपर की गाड़ियाँ आई हैं उसमें आप सीरीज से स्टेटर कॉइल ये अपना इस रोटर चेक कर सकते हैं, लेकिन रेक्टिफायर प्लेट चेक करने का तरीका जो भी वो भी है जो जैसे कि 2010 के बाद की जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें रेक्टिफायर प्लेट आप सीरीज से चेक करेंगे तो शॉर्ट ही बताएगा। तो यहाँ पर हमने चेक किया रोटर और स्टेटर कॉइल, मतलब ये शॉर्ट नहीं था, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्लेट को चेक करेंगे, प्लेट को मैं सीरीज से इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि सीरीज से शॉर्ट ही बताएगा, लेकिन ये प्लेट एक्चुअल में सही है। देखिए अभी ये मेरा फुल लाइट सीरीज पे चल रहा है जबकि डिम जलना चाहिए, ठीक है, ये जैसे डिम इस समय जला है वैसे डिम जलना चाहिए सारे पॉइंट पे, लेकिन ये देखिए सारे पे फुल जल रहा है, मतलब ये 3 पॉइंट होता है, एक अर्थिंग, एक मेन और एक ये कटआउट का जो वायर लगा रहता है, ठीक है, ये देखिए कटआउट वाले वायर से डिम बता रहा है बाकी सबसे फुल बता रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज से ये प्लेट शॉर्ट है, लेकिन हम लोग इसको चेक करेंगे बैटरी से, बैटरी से चेक करके बताऊंगा कि बैटरी से कैसे एक्चुअल में 12 वोल्ट से चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अभी जो डायोड इसके अंदर प्लेट में लगा रहता है सीरीज से कोई भी जितना भी नया गाड़ी आ रहा है उसका सीरीज से चेक करेंगे वो शॉर्ट ही बताएगा, पता ही नहीं चलेगा खराब है नहीं खराब है। तो हम लोग देखिए दोस्तों ये मेन वायर लगा दिए हैं, ब्लू वाला मेन है व्हाइट वाला अर्थिंग है। अब मेन पर से मैंने तीनों पॉइंट पर चेक किया तो एक साइड से नहीं बताया, लेकिन ये दूसरे साइड से देखिए ये देखिए स्पार्क बता रहा है, मतलब ये प्लेट का तीनों कनेक्शन सही है, एक साइड से बताएगा एक साइड से नहीं बताएगा, ठीक है दोस्तों इस चीज को समझिएगा। अभी देखिए फिर से ये देखिए, ये देखिए एक साइड से बताएगा एक साइड से नहीं बताएगा, अगर दोनों साइड से नहीं बता रहा है तो मतलब समझिए प्लेट खराब है, या फिर दो में बता रहा है एक में नहीं बता रहा है तो भी प्लेट खराब है। तो इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं तीनों पॉइंट में अगर एक भी पॉइंट बंद रहेगा तो वहां पे कनेक्शन नहीं बताएगा, या फिर दोनों साइड से बता रहा है तो प्लेट खराब है फिर भी। तो ये इस सिचुएशन से आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्लेट को सही तरीके से चेक करने का अभी इस समय नया सिस्टम यही है, या तो आप टेस्टिंग लैंप से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा कटआउट जो था ना यहाँ पे थोड़ा सा
फट गया था। कटआउट क्यों फट जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बैटरी हमारा बैठ जाता है या फिर बैटरी का ग्रेविटी डाउन रहता है, तो ओवर चार्ज करने की वजह से कटआउट नहीं कटता है तो कटआउट फट जाता है। तो हमने क्या किया दोस्तों, देख लीजिए, अल्टरनेटर को थोड़ा सा ऊपर से पेट्रोल से धुल लिया और उसके बाद इसका जो रेक्टिफायर प्लेट था तीनों बार लगा के सोल्डिंग हम लोग मार देते हैं इसमें। दोस्तों थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि फिटिंग करते आपको दिखाया नहीं हूँ, बस ये तीन इसका स्क्रू रहता है दोस्तों, उसको फिटिंग करना था। अब बाकी ये तीन वायर जो है उसको अपने जगह पर लगा के अच्छे से बैठा के नोक पिला से दबा दीजिए, उसके बाद उसको सोल्डिंग मार दीजिए। बिना दबाए सोल्डिंग नहीं मारी नहीं तो ढीला हो सकता है। तो मैंने क्या किया, पहले ही तार को अच्छे से सेट करके उसके और अच्छे से दबा के सोल्डिंग मार दिया हूँ मैं, और ये तीनों स्क्रू हम लोग यहाँ पे टाइट कर लेंगे। ठीक है, पहले मैं पेचकस से टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद से सात नंबर के बॉक्स पाना से मैं टाइट कर लेता हूँ इसको, तीनों बोल्ट को। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका जो रोटर दिख रहा है ये बीचों बीच, इसको हम लोग साफ कर लेंगे। कैसे, पॉलिश पेपर की मदद से, ताकि इसके ऊपर फिर से जो हम लोग नया कटआउट डालें उसको कंप्लीट पकड़ने में कोई दिक्कत ना हो कार्बन को। देखिए अभी ब्लैक हुआ है तो थोड़ा सा आपको साफ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, कम्यूटेटर बहुत बार नहीं पकड़ता है तो चार्जिंग नहीं करता है। तो इस अल्टरनेटर में समझिए कि आपका जो चार्जिंग नहीं कर रहा था, वोल्टेज नहीं बता रहा था, तो क्या दिक्कत था, सिर्फ कटआउट का दिक्कत था। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी ये कटआउट लगा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या, लास्ट में क्या प्रॉब्लम है या क्या सही है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें कटआउट खराब है। तो मैंने कटआउट यहाँ पे डाल दिया है, कटआउट मैं ये ओरिजिनल नहीं डाल रहा हूँ दोस्तों, मीडियम क्वालिटी का डाल रहा हूँ। ओरिजिनल कस्टमर का मतलब ज़्यादा पैसा लग जाता है, इसलिए कोई कोई कस्टमर नहीं लगाता है। और वैसे भी मैजिक और ये टाटा आयरिस वेरिस जितनी भी छोटी गाड़ियाँ होती है लोग मतलब भाड़े से चलाते हैं लोग, तो ज़्यादा ओरिजिनल डालने की नहीं कहते हैं लोग, कोई कोई डालता है, कोई कोई नहीं भी डालता है। ओरिजिनल कटआउट महंगा आता है और ये मीडियम क्वालिटी का 400 450 में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए दोस्तों इसका जो कटआउट का जो कार्बन के ऊपर कवर आता है रोटर के ऊपर, वो लगा के इसका मैंने ढक्कन लगा देना है। ठीक है, ढक्कन लगाने के बाद दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसका जब ये देखिए ये दो बोल्ट दिख रहा है ना आठ नंबर के, इसमें एक फ्यूज लगा रहा था दोस्तों। क्यों फ्यूज लगा रहा था, उसको कभी डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, कभी भी फिट कीजिएगा तो डायरेक्ट मत कीजिएगा। फ्यूज क्या होता है ना, कभी भी हम लोग बैटरी निकालते हैं तो कस्टमर कभी लगाता है, तो हम लोग लगाएंगे तो सही लगा देंगे लेकिन कस्टमर से गलती से उल्टा भी लग जाता है, तो यही फ्यूज ब्लो कर जाता है मतलब शॉर्ट कर जाता है, तो उस समय अल्टरनेटर बच जाता है। अगर ये डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट रेक्टिफायर प्लेट उड़ जाएगा, उस समय गाड़ी स्टार्ट होते ही रेक्टिफायर प्लेट उड़ जाएगा। बहुत बार बहुत सारी गाड़ियों में, बस में, ट्रक में, कार में, बहुत सारी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम मतलब बैटरी का उल्टा लगाने से रेक्टिफायर प्लेट जला है, तो इस चीज़ का नुकसान ना हो इसलिए अभी कंपनी फ्यूज देता है। पहले के अल्टरनेटर में फ्यूज नहीं देता था, अभी के अल्टरनेटर में सारे में फ्यूज देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सीरीज से नहीं चेक करना, आपको ये ध्यान दीजिएगा इसका प्लेट। बाकी सब चीज़ें सीरीज से चेक कर सकते हैं लेकिन अदर कोई चीज़ सीरीज से नहीं चेक कर सकते। ठीक है, कटआउट आप चेक, कटआउट चेक करना हो तो अगर आपके पास कटआउट टेस्टर हो तो उससे चेक कर लीजिए। अभी अपने पास कटआउट टेस्टर नहीं है क्योंकि अब बहुत पहले ये चलता था कटआउट टेस्टर, अभी तो चल भी नहीं रहा है इसलिए आपको क्या ही बताऊँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों लाइट चेक कर लेते हैं, खींच के मैं डोरी से चेक कर लेता हूँ कि लाइट बंद हो रहा है नहीं बंद हो रहा है, देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग इसको गाड़ी में फिटिंग करेंगे, गाड़ी में फिटिंग करके आपको वोल्टेज दिखाऊंगा प्रॉपर कैसे दिखा रहा, निकाल रहा है कि नहीं। 13.5 वोल्टेज के ऊपर ही निकालना चाहिए कोई भी अल्टरनेटर हो। ठीक है दोस्तों, ये छोटा वाला जितना भी ये सब अल्टरनेटर आता है सब उतना निकालता है, 13 एम्पियर 14 एम्पियर का अल्टरनेटर होता है, 13.5 14 तक निकालता है एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, मिलते हैं नया वीडियो के साथ नए टॉपिक पे। तो चलिए इसको गाड़ी में फिट करके आपको देखिए, बैटरी डाउन था इसलिए मैंने डबल बैटरी करके इसका स्टार्ट किया हूँ गाड़ी को। अभी देखिए वोल्टेज मेरा 13.77 निकाल रहा है, मतलब वोल्टेज प्रॉपर निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, लाइट जलाने के बावजूद भी लाइट जलाइए मैंने।